मटका किंग मर्डर केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। इस मामले में 6 को उम्र कैद की सजा दी गई है। 6 में मटका किंग यानी कि सुरेश भगत की पत्नी और उसका बेटा भी शामिल है। आपको बता दें कि 2008 में जून 2008 में सुरेश भगत की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने जब जांच किया तो पुलिस को लगा कि ये पूरा मामला साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में शक की सुई सुरेश भगत की पत्नी और उसके बेटे की तरफ गई और ये बात साफ हुई कि संपत्ति को हड़पने के लिए ही इन लोगों ने इस तरह की प्लानिंग रखी थी कि सड़क हादसे में किसी तरीके से मटका किंग सुरेश भगत की मौत हो जाए।